राहुल गांधी जी विदेश के दौरे में हैं और ये सर्वविदित था कि जैसे ही वो विदेश जाएंगे भाजपा की आईटी सेल, चरण चुंबक एंकर, चवन्नी छाप ट्रोल नेता और बड़े बड़े ट्रोल मंत्री कूद पड़ेंगे ये कहने पर कि अरे मोदी जी की बेइज्जती होगी, अरे देश के खिलाफ बोल दिया, अरे देश का विदेशी धरती से अपमान कर दिया। दो तीन चीजें लेकिन कही जा रही हैं, तो पहले उसका जवाब दे देती हूँ। राहुल गांधी जी विदेश की यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं जाते? अभी गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी, छात्रों के साथ खाना खाया, विचार साझा किए, क्या हुआ? नोटिस भेज दी इस कमजोर सरकार ने। फिर कहते हैं राहुल गांधी जी देश में रहकर आलोचना क्यों नहीं करते? अरे वो आईना आपको यहां पर भी दिखाते हैं, वहां पर भी दिखाते हैं, यहां पर आप साजिश रचकर, षड्यंत्र रचकर उनकी सदस्यता खत्म करते हैं, उनका माइक म्यूट करते हैं, विपक्ष की कार्रवाई सदन वाली नहीं दिखाते हैं, यह आपकी असलियत है। लेकिन राहुल गांधी जी लगातार आपको आईना दिखाते हैं और लोकतंत्र में यह जरूरी है करना, क्योंकि जितना आईना सरकार देखेगी उतना समाधान ढूंढेगी। अब यह अलग बात है कि जो आईने में आपको सच दिखता है वो सच कड़ुआ है, बेरोजगारी का, महंगाई का, आर्थिक असमानता का, चीन का, अडानी का, उससे घबरा कर आप पुल जलूल बातें करते हैं, अरे मोदी विरोधी, अरे देश विरोधी। अरे भैया देश की बात करना मोदी विरोधी कब से हो गया? और मोदी जी देश से ऊपर है क्या? पहली बात। एक बात और कहना चाहती हूँ, राहुल जी को बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बुलाती हैं तो वो जाते हैं, अपनी बात करते हैं। प्रधानमंत्री तो करोड़ों रुपए फूंक कर अपनी छवि बनाते हैं, खूब स्टंट रचते हैं बाहर जाकर। अभी हाल ही की बात है, ऑस्ट्रेलिया गए थे, किसी ने वहां पर बॉस कह दिया। अरे भैया चरण चुंबक मीडिया तो मानो गदगद हो गया, वाह 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 होने लगा। लेकिन उसी के 24 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने देश के 6 राज्यों से स्टूडेंट्स के आने पर पाबंदी लगा दी। अरे बॉस थे तो वो पाबंदी हटाते और चरण चुंबको एक शब्द उस पर नहीं निकला आपके। तो दिक्कत की बात यह है कि मोदी जी के बारे में राहुल जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उनकी तारीफ करी है। क्या कहा है? कि मोदी जी इतने सर्वज्ञानी हैं कि भगवान के साथ बैठे तो ब्रह्मांड समझा देते हैं, वैज्ञानिकों के साथ बैठे विज्ञान, इतिहासकारों को तो इतिहास समझा देते हैं, सेना को युद्ध समझा देते हैं और एयरफोर्स को उड़ना समझा देते हैं। अरे मोदी जी तो वो सर्वज्ञानी हैं जिनको ये सारी बातें आती हैं। अब भक्त असमंजस में है कि इस पर क्या कहें, अगर कुछ कहेंगे तो मोदी जी की काबिलियत पे शक हो गया और अगर कुछ नहीं कहेंगे तो मतलब राहुल जी की बात सही है, तो फंस गए बेचारे भक्त। लेकिन भक्तों मुझे आपको एक छोटी सी राय देनी है और राय ये है कि मोदी जी ने महानतम थ्योरियां दी हैं इस दुनिया को। याद है ना रेडार थ्योरी, फिर गटर गैस से चाय बनाने वाली थ्योरी, फिर हवा से पानी निकाल लो विंडमिल वाली थ्योरी, फिर सदियों पुरानी कॉस्मेटिक सर्जरी थ्योरी, फिर 140 करोड़ के देश में 600 करोड़ ढूंढ लेने वाली थ्योरी, फिर मौसम नहीं बदला है हम बदल गए हैं थ्योरी, फिर 1988 में ईमेल और डिजिटल कैमरा वाली थ्योरी, मतलब लिस्ट तो बहुत लंबी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab वाली थ्योरी, फिर विवेकानंद जी, गुरु नानक देव जी और संत कबीर जी एक साथ बैठ के चर्चा करते थे, ये अलग बात है वो अलग अलग सदियों में पैदा हुए थे। तो भक्तों परेशान मत हो, थोड़ा सा पानी पियो और इन महानतम थ्योरीज पर रिसर्च करो, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र प्रधानमंत्री मोदी की तरह छुई मुई नहीं है। इस देश का लोकतंत्र प्रखर है, उसको और पुरजोर बनाना है। इस देश का लोकतंत्र तो वो है जहां पर प्रधानमंत्री नेहरू अपने खिलाफ आर्टिकल लिखते थे और आपकी तरह रोना नहीं रोते थे, जहां विश्व की आंख में आंख डालकर भारत का हित सर्वोपरि रखा जाता था और विदेश नीति का मतलब सिर्फ अपने मित्र को कारोबार दिलाना और अपनी छवि संवारना नहीं होता था। इसलिए मोदी जी और उनके भक्तों काम पर ध्यान दीजिए, राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं जो लोकतंत्र में एक नागरिक होने के नाते उनको करना चाहिए, विपक्ष का सदस्य होने के नाते करना चाहिए। आप लाख रोना रोते रहिए, मीडिया लाख सवाल उठाता रहे, असलियत ये सवाल आज पूरा देश उठा रहा है। आईना आपको दिखाया जा रहा है, आईने में आप देख नहीं रहे, आप धूल आईने की साफ कर रहे हैं, लगी चेहरे पर हुई है।